ब्रिक्स में पीएम मोदी का कूटनीतिक सिक्सर, आतंकवाद का मुद्दा गोवा घोषणा पत्र में शामिल, मिलकर लड़ाई छेड़ने पर बनी सहमति, ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी जल्द बनाने को लेकर भी सहमति। ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे दिन भी गूंजा आतंकवाद का मुद्दा, पीएम मोदी ने की आतंकियों के राजनीतिक समर्थन पर रोक लगाने की मांग, कहा विकास और आर्थिक समृद्धि पर काली छाया जैसी है आतंकवाद। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की बैठक के बाद आपसी व्यापार बढ़ाने पर बनी सहमति, पीएम मोदी ने कहा व्यापार को लेकर दूर की रुकावटें, बुनियादी ढांचे को किया मजबूत। पाकिस्तान को अलग थलग करने की मोदी पॉलिसी, बिम्स्टेक में भी हिट, श्रीलंका और भूटान ने की सीमा पार आतंकवाद की निंदा, हर बड़े और कड़े फैसले में भारत का साथ देने का वादा। ब्रिक्स समिट की सफल मेजबानी के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को दी बधाई, कहा ब्रिक्स के दोस्तों के दायरे को बढ़ाने की जरूरत, 2017 में चीन करेगा समिट की मेजबानी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया दावा, 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा जीएसटी, हिसार में अग्रोहा धाम मेले में कहा मोदी सरकार ने पूरा किया जीएसटी का सपना, 2.5 साल में 4.5 लाख नौजवानों को दिया कारोबार का सहारा। अग्रोहा धाम मेले में अमित शाह की अपील पर डॉक्टर चंद्रा ने गोद लिए 5 गांव, हिसार के मेले में देश भर से जुटे लाखों लोग। बीजेपी का दामन थाम सकती हैं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी, लखनऊ कैंट से बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। मीट व्यापारी मोइन कुरैशी चकमा देकर देश से फरार, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कुछ भी कहने से इनकार, ईडी ने जारी कर रखा था लुकआउट नोटिस। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने पीएम मोदी को टैग कर किए कई ट्वीट, लिखा पाकिस्तान के पीएम नवाज से मुलाकात पर अभी तक क्यों नहीं मांगी माफी, बीजेपी ने की निंदा।